पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती खत्म होने के साथ ही चुनावी शोर थम गया। बंगाल में बीजेपी इस बार सरकार तो नहीं बना सकी, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी को पानी पिला दी। कांग्रेस और लेफ्ट का बंगाल से सफाया हो गया है और बीजेपी 3 से लगभग 80 तक पहुंच गई है। वैसे तो बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत हुई है, लेकिन वोटों की गणित को समझे तो बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी है। चुनावी नतीजों को देखकर यही लग रहा है कि बीजेपी ने बंगाल में बाजीगर जैसा प्रदर्शन किया है, यानी बीजेपी चुनाव हार कर भी बंगाल में बहुत कुछ जीत लिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस को 48.56% वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 37.55% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। वोटों की गिनती यही बता रहे हैं कि बंगाल की जनता ने बीजेपी और टीएमसी पर ही भरोसा किया है। करीब 3 दशक तक बंगाल की सत्ता पर काबिज रहने वाला वाम दल आज कहीं भी नहीं है। यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस बीजेपी को हारता देखकर ही बहुत खुश है। इससे साफ जाहिर होता है कि बंगाल में जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। बंगाल चुनाव में एक और बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा सकी हैं। बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम से बीजेपी की सुविंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम में अपनी हार स्वीकार कर ली है। हालांकि टीएमसी रिकाउंटिंग की मांग कर रही है। कभी ममता के काफी करीबी रहे सुविंदु अधिकारी के बीजेपी का दामन थामने के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें उनकी सीट नंदीग्राम पर चुनौती देने का फैसला किया था। वो सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोनों नेताओं में बहुत ही कांटे की लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार बाजी सुविंदु के हाथ लगी। हालांकि बंगाल चुनाव में हार कर भी बीजेपी उतनी मायूस नहीं है। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है, लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीजेपी ने महज कुछ साल में ही राज्य की राजनीति में लगभग 80 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का तमगा हासिल करती दिख रही है। यानी अब राज्य में बीजेपी राष्ट्रीय दल के रूप में और टीएमसी क्षेत्रीय दल के रूप में राजनीति करती दिखेंगी, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।